पर नैनीताल जनपद के हल्द्वानी से है, जहां लगातार वनों में लग रही आग पर इन दिनों थोड़ा सा विराम लगा है, जिससे विभाग सहित आम जनमानस ने राहत भरी सांस ली है। बता दें कि जंगलों में लगी आग के चलते वन संपदा को काफी नुकसान हुआ है, वहीं अन्य जीवों पर भी जान का खतरा पैदा हो गया था। इसी क्रम में तराई पूर्वी वन विभाग के DFO हिमांशु बागवी का कहना है कि पिछले 15 दिनों से डिवीजन में वनाग्नि को लेकर ऐसी कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई है और जंगलों में आग लगाने के आरोप पर अब तक 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जी, वनाग्नि के दृष्टिकोण से उत्तराखंड हमेशा से संवेदनशील रहा है। इस वर्ष आपकी ठंड के बाद से बरसात न होने के कारण से मौसम एकदम शुष्क बना हुआ था, जिस कारण से वनाग्नि की घटनाएं हुई हैं। किंतु हमारे जो क्रू स्टेशन है, फायर वॉचर जो रखे गए हैं, उनके द्वारा किसी भी वनाग्नि को 2-3 घंटों में बुझा लिया गया। कोई वनाग्नि बड़ी नहीं हुई है, तो पूर्ण रूप से नियंत्रित कर लिया गया है और पिछले लगभग 15 दिन से कोई भी वनाग्नि की दुर्घटना प्रभाग में हुई नहीं है। जो हमारी हो रखी है, 7 लाश फायर हो रखी है, जिनको की कंट्रोल कर लिया गया था। और पर ये भी जो फायर थी हमारी, जब भीषण गर्मी हुई थी उस समय हुई थी, उसके बाद से कोई घटना नहीं हो रही है। जी, लगभग 7 व्यक्ति जो वनाग्नि लगाते हुए पाए गए हैं, उनके अगेंस्ट मुकदमा दर्ज किया गया है और कुछ व्यक्तियों को जेल भी भेजा गया था, तो उनके अगेंस्ट FIR भी दर्ज कराई गई है। तो इस तरह से विधिक कार्रवाई की गई है।